वेटर तो है नहीं, आप बताइए अपना ऑर्डर। आपके रेस्टोरेंट में सबसे बढ़िया क्या मिलता है? हमारे होटल में सबसे बढ़िया मिलती है बिरयानी, वेज बिरयानी, लेकिन वो 500 रुपए की मैडम। अरे पैसों की टेंशन मत लो, 500 रुपए वाली बिरयानी लगवा दो। लाता हूँ, लाओ मैडम 500 रुपए। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे ना है तो खाई कैसे तूने बिरयानी? पुलिस को बुला रहा हूँ, रुक अभी। हाँ बुला ले पुलिस को, जा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरे रेस्टोरेंट आ जाओ, आ रही है पुलिस। हाँ पुलिस के साथ क्या हुआ? देखना इसे, बिरयानी खा ली 500 वाली, पैसे ना दे रही है। पैसे क्यों ना दे रही है तू? इसके जेल जाना पड़ेगा, महिला कांस्टेबल बुलाता हूँ। बुला लो, लेकिन तुमको इनको भी लेके चलना पड़ेगा साथ। पर मुझे क्यों लेके जाना पड़ेगा? ये क्यों जाएगा? रिपोर्ट लिखवा लेने चलेंगे क्या साथ में? सही कह रही है, तू भी चल थाने। नहीं इंस्पेक्टर साहब मैं नहीं जा सकता। क्यों? मेरे तो 50,000 का नुकसान हो जाएगा। 50,000? पूरे दिन की कमाई है मेरी। मुझे सोच के बता दो, 50,000 रुपए का नुकसान करना है या 500 रुपए का? नो, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब मैं नहीं करवा रहा रिपोर्ट, जाओ आप जाओ। अरे करवा लो पुलकित भाई। अरे मैं 500 रुपए का नुकसान झेल लूंगा यार। रूपल प्यास लग रही है, पानी की बोतल ले ले। अरे यार पानी नहीं, मैं तुम्हें फ्रूटी पिलाती हूँ। अरे भैया 3 फ्रूटी दे दो। दे रहा हूँ मैडम, ये लो मैडम 3 फ्रूटी। ये लो भैया। अरे मैडम 2,000 का खुले नहीं है क्या? नहीं भैया खुले हुए तो नहीं है, कीप द चेंज। ठीक है मैडम चलो। तो रूपल तूने उसे सारे पैसे दे दिए, इतना पैसा कहाँ से रहा तेरे पास? अरे पैसे की टेंशन नहीं है, चलो तुम लोगों को बिरयानी भी खिलाती हूँ। क्या बात है, मजा आ गया बिरयानी में तो, लेकिन पिज्जा और खिला दे। तुम जो जो बोलोगे ना तुमको आज सब कुछ खिलाऊंगी। आओ पिज्जा भी खा लेते हैं, पैसा बहुत है। भैया 3 पिज्जा लो भैया, कीप द चेंज। वाह रूपल मजा आ गया। वैसे एक बात बोलूं, मजा तो मुझे भी बहुत आया। अच्छा वो कैसे? क्योंकि वो जो पैसे खर्च हो रहे थे ना वो तेरे पर्स से हो रहे थे, गिर गया था। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो इसमें पैसे थे ना वो तेरे ही थे, क्योंकि मैं तेरा उधार लौटाना आया था। अब तो तुमने खर्च कर दिए तो हिसाब बराबर अपना। लेकिन जावेद भाई हो सकता है आज रात को तुम्हारे घर पे आऊं मैं यार। क्यों बे? वो अभी मैं इधर से आ रहा था तो तुम्हारे पापा 1 किलो मुर्गा लेके जा रहे हैं। अब हमारे घर को मत आइए, हम तो वैसे 18-19 बहन भाई हैं। ओए एक बात बता, पुलकित को जानते हो? हाँ सर जानता हूँ, क्या हो गया? मुझे घर बताओ उसका। ऐसा क्या कर दिया उनने? क्या कर दिया? पता नहीं कितने मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है उसको, किडनैपिंग, डकैती, मर्डर, ये सारे काम उसके इससे आते हैं। उसका घर बताओ। सर घर तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपने उसका फेस नहीं देखा। अरे फेस ही तो नहीं देखा आज तक, वरना कब का गोली मार देता उसको मैं, घर से उठा लूंगा उसको। घर बताओ उसका। ठीक है इंस्पेक्टर साहब आओ आप। वैसे इंस्पेक्टर साहब बहुत चलाक है वो है। देखो इंस्पेक्टर साहब वो है उसका घर, और वो जो लड़की खड़ी है ना उसकी पड़ोसन है, वो बताएगी आपको। अच्छा मैं नहीं जा सकता। मैडम ये पुलकित का घर कौन सा है? सर यही है साइड वाला, बात हो गई है क्या? अरे हाँ बहुत बड़ा क्रिमिनल है वो, ये बताओ घर पे मिल जाएगा वो? इस टाइम तो वो घर पे नहीं मिलेगा। क्यों घर पे क्यों नहीं मिलेगा? अरे इंस्पेक्टर साहब आप भी क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो वो आपके साथ ही था, वो घर पे कैसे मिलेगा? पुलकित मेरे साथ था। वो तो था पुलकित। आज पकड़ देख लिया, आज पकड़ लूंगा। पुलकित हेलो। हेलो भाई कहाँ है? मैं तो काम के सिलसिले में ना बाहर आया हूँ। ठीक है भाई। कितना झूठा है, मेरे सामने बैठा है और झूठ बोल रहा है। हेलो हेलो तेरी बहन ने एक लड़के के साथ बैठी है आशीष बर्गर पॉइंट पे। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ठीक है छोटी तू यहाँ पे क्या कर रही है इसके साथ? तुझे पता है ना ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको बताने वाली थी, हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। पसंद माय फुट सर, रिश्ते खत्म कर अभी। नहीं भैया ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओ भाई सुन मेरी बात, अगर तुझे सारे रिश्ते खत्म करवाने ना तो पहले तो ये आईफोन लूंगा इसका मैं, और जो तेरे हाथ में आईफोन है ना वो भी तेरे से लूंगा क्योंकि वो भी मैंने दिलवाया है, और जो तूने कपड़े पहन रखे हैं वो भी उतरवाऊंगा क्योंकि वो भी मेरे पैसों के दिलवाए हुए हैं, और वो बाइक जिससे तू यहाँ आया है उसकी भी चाबी लूंगा, और वो स्कूटी जिससे तू आई थी वो भी लूंगा। करवा रिश्ता खत्म। बहन शादी की डेट कब की फाइनल करनी है? भैया आज ही करा दो। चलो